तो फिर कौन सा लड़का तुम्हें इम्प्रेस कर सकता है? वो ऐसा लड़का होना चाहिए जो गुंडों की मार खाने के बाद भी बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। ऐसा क्या? मार को झेलने वाला ही असली मर्द होता है। मैं ऐसे लोहे जैसे मर्द से ही शादी करूंगी। क्या चॉइस है! आज तो मैं इसको प्रूफ करके ही रहूंगा कि मेरे अंदर कितना लोहा भरा है, कितना आयरन भरा है, विटामिन सी भर भर के भरा है। ओके बॉस, सेठ अपने घर से निकल चुका है, सीधा इदरीश आने वाला है। पिछली बार हमने गलत इंसान को ठोक दिया था, अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे ही इशारा करूं, एक ही वार में उसकी गेम बजा डालना। ये पब्लिक प्लेस है तो ध्यान रखना कि ज्यादा शोर शराबा ना हो। पिस्तौल कहाँ है? ये रही बॉस। अंदर रखो, ये एक पब्लिक प्लेस है, इस पे साइलेंसर लगा दे। कौन आ गया? शांत हो जाओ, ये एक पब्लिक प्लेस है, छोड़ दो इसे। ला मुझे। गुस्सा मत करो, इसे जो करना है करने दो, ये एक पुलिस भी हो सकता है। ले मलाई मार के। रुक जाओ, पब्लिक पब्लिक। क्या पब्लिक पब्लिक कर रहा है बे? मैं एक डेंजर खिलाड़ी हूँ, आयरन मैन, लोहे से भरा हुआ, एक एक को चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। आजमाना चाहते हो? चने के झाड़ पे। ये चेहरे पे तूने पर्दा क्यों डाला हुआ है रे? कितनी जू होंगी इस पर निकल। अरे पूरा ही आ गया। लोगों को बाल उगने में सालों लग जाते हैं और ऐसे बालों के लिए एक एक बाल के 100 रुपए के हिसाब से करोड़ों फूंक देते हैं। और ये वीक लगा के बैठा है। और वीक भी कैसा, कोई बच्चा मैगी बना के खा लेगा? ये गंजा तुम्हारा बॉस है, इसको बॉस बोलते हो? अरे ये जूता पॉलिश करा रहा है। ये पब्लिक प्लेस है। कब से पब्लिक 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 बोल के डरा रहे हो? अगर तुम लोगों में दम है तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ। अच्छे लोग हाथ नहीं उठाते, पैर उठाते हो। पिस्तौल निकाल के। बच्चों के खिलौने से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? इतना ओवर एक्टिंग क्यों? नकली खिलौने से डर लगता है? वैसे इसमें मेड इन चाइना लिखा है तो इसको फेंकना ही अच्छा है। चाइना गया पानी में। बॉस, अपने हाथ से फिर से मौका निकल गया, वो तेज भाग गया। ही ना चल बे। पब्लिक पब्लिक। अरे ये कहाँ चली गई? क्लाइमेक्स आने पर ये फिल्म अधूरी छोड़ के भागती है, तो मैं भी रुक के क्या करूँ, मैं भी भागता हूँ। पब्लिक पब्लिक हो या प्राइवेट हो, मारो इसको। पागल कहीं का ये जनता जनार्दन भी, मैं मार खा रहा हूँ, चुपचाप देखती रही। सोनिया, अरे अरे सोनिया बेचारा। ए सर्वना सर्वना, इस जिंदा लाश को कहीं देखा हुआ है? बहुत मार पड़ी है, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर नहीं, दर्जी के पास ले चलो, बहुत सारे टाके भी पड़ेंगे। अरे भाभी माँ, अरे ये आदमी तो देखा हुआ है, इसकी शक्ल अपने वो नाके वाले भिखारी जैसी है। बेचारा, ये तो विके अंकल के जूते हैं। फेंको इसे, पता नहीं इस भिखारी को क्या क्या बीमारी होगी। मैं भिखारी नहीं हूँ, वो तो मार खा के ये हालत हो गई। प्यार में मशरूम बन के ऐसे ही मार खाना पड़ता है। मुझे इतना मारा, इतना धोया, क्या प्लास्टिक सर्जरी करने के सिवा चारा नहीं बचा। हाय, हैविंग अ गुड टाइम? पता है मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चले गए थे जान? कितना मिस किया मैंने। हमेशा गलत टाइम पर टपक पड़ती हो। जब से आयो तब से बात नहीं की। तुमसे बात करके कौन सा भला हुआ है मेरा? क्या काम है? ए, प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? प्यार से बात करूं? तू मेरी गोरी, गोरी, मैं तेरा गोरा, चला तेरा ये पोरा, बाय बाय। अरे बस इतनी सी बातें? बातें तो बहुत सारी है, ब्रेक के बात करता हूँ। कहिए आपको क्या चाहिए? मुझे सर्वना के बारे में सारी जानकारी चाहिए, उसका गांव, घर, हर एक जानकारी दो मुझे। कौन सर्वना भाई? वही सर्वना जो कृष्णा के साथ पढ़ता था। दादा, यही है वो जिसने फाइल से पन्ना निकाल दिया और इसने कहा कि वो इस वक्त चेन्नई में। मेरे साथ चेन्नई कोई छोटा सा गांव नहीं है, चेन्नई में कहाँ है ये बता मुझे।
इसे देखा है? नहीं देखा। तुमने इसे देखा है? नहीं देखा साहब। हेलो सरवना, मैं विल्सन कॉलेज से रघु बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या बात है रघु? हाँ, वो लोग यहाँ आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें पता चल गया है कि इस वक्त तुम चेन्नई में हो। अब मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये मेरी छोटी बहन है भाऊ, ये इस लड़के से प्यार करती है और इसी से शादी करना चाहती है। आप कुछ भी करके इन दोनों को अलग कर दो ना। क्या भैया, आप इन गुंडों को सुपारी देकर हम दोनों को अलग कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं आप सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुपारी तो अपन खा के फेंक देता है। ए, देख क्या रहा है बे, टांग तोड़ दे इसकी। अबे देख क्या रहे हो, सर फोड़ दो इसका, मारो इसे। मुझे बता नहीं पड़ेगा। अरे दादा, अब उनके गरीब खाने पर तो सोच, अपुन को बुला ले, कैसे मुझे खाऊंगा? रो क्यों रही है? चुप। अरे दादा, ये तो रोज का है, आप अंदर आइए। तू आई ना, आई ना, बंद कर। भाई उसका कुछ पता चला? सरवना, मेरे दुश्मन का नाम है सरवना। मेरे भाई के दो टुकड़े किए, मैं उसके 100 टुकड़े कर दूंगा। आपकी आंखों में बदले की आग दिख रही है भाई, अपुन काट डालेगा उसको। किधर मिलेगा वो, बोलिए भाई। वो इसी शहर में रहता है और मुझे वो चाहिए। उसको अपुन आपके सामने लाएगा, हर एरिया का वोटर लिस्ट अपुन निकालेगा और उसकी पूरी कुंडली आपके सामने रखेगा। तब तक आप आराम कीजिए भाई। आराम नहीं होगा मुझसे, उसे मारने से पहले सांस लेना भी मुश्किल है मेरे लिए। आप जैसे भले लोगों की वजह से ही हम डबल वोटिंग रोक पाते हैं, लेकिन भाई साहब आपको ये कैसे पता चला कि आपका एक डुप्लीकेट आईडी बना हुआ है? सर मैं कोयंबटूर से हूँ ना, मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए चेन्नई आया था, उसकी फोटो खींचते वक्त लोगों ने मेरी भी फोटो खींच ली, अब उनसे कौन उलझे सर, इसलिए मैं आपके पास आया। अच्छा अच्छा, तो फिर आपका नाम डिलीट कर दूं? हाँ नाम डिलीट करना, लेकिन कहीं मुझे मत कर देना। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं वही मजाक किया। एक्सक्यूज मी, कौन बार बार परेशान कर रहा है? तुम्हारे भाई की बीवी बात कर रही हूँ मैं। हाँ बोलिए। हम शादी के लिए ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, तो सोचा है कि तुम्हारे लिए भी एक ब्रेसलेट ले लें, तो सिलेक्शन के लिए जरा आ जाओ। साधना भी आपके साथ है? हाँ वो भी हमारे साथ ही है, तो क्या उसे कहूँ क्या सिलेक्ट करने के लिए? कौन सी शॉप में जा रहे हैं? साधना ज्वेलर्स, सॉरी ललिता ज्वेलर्स। ये तो सरवना की गाड़ी लगती है। अरे हाँ वही है। अरे तू हमसे पहले कैसे पहुँच गया? ये क्या बात हुई माँ, मुझे घर से बताकर निकलना चाहिए था। क्या हुआ, क्या है? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आप ज्यादा कैश लेकर निकली होंगी तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो अब शॉपिंग करते हैं। चलो चलो जी, चलो चलो जल्दी चलो, दुकान बंद हो जाएगी नहीं तो। चलो ये वाली बैंगल्स दिखा। ये वाली? सुनिया तुम्हें ये डिजाइन पसंद आई? नहीं मुझे पसंद नहीं आई। तो वो वाली डिजाइन? हाँ तो ठाके नहीं दिखा सकते। अच्छा हटा लिया, बोलो ये वाली डिजाइन कहाँ ना पसंद है? क्या मेरे साइज का कमरबंद मिलेगा? आपके साइज का कोई कमरबंद यहाँ नहीं है और ना ही कोई बना सकता है। नहीं मुझे चाहिए। एक काम करो, चार पाइप को लेके वेल्डिंग करो और फिर पहन लो। पागल बेवकूफ, अकल के अंधे, तुम नहीं हो। ये देखिए, ये अच्छा लगेगा ना? बहुत ही अच्छी लग रही है। ये चुन के देखो अंजलि, देखो इसकी पसंद कितनी अच्छी है ना। हाँ सासू माँ, पसंद आया? साधना पर हीरो का सेट बहुत अच्छा लगेगा। सच कह रही हूँ, तुम पे नहीं सूट करेगा। नहीं आंटी, तुम ये ट्राई करो ना। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा रख दो। ये देखे ना आंटी, ये कैसा है भाई? अच्छा जरा ये ब्रेसलेट दिखा ना। ठीक है। अरे सुना सुना, मैंने तुझसे एक आइडिया पूछा था, तूने सोच लिया क्या? सोच लिया, सोच लिया ना। बेटा जरा हाथ देना, हाथ आगे कर तेरा, देखे कैसा लग रहा है। अरे इस पे तो घड़ी है, दूसरा दे। अरे 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 क्या करा, अब मुझे चुटी क्यों बाजी? ये लो माँ पहना। आंटी मेरे लिए भी ऐसा ही ले लेना, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। गणपत वो देख चोरी कर रहा है। कहाँ गई ये सुनिया, कहीं दिख नहीं रही। काय रे चोरी करता है? अरे चोरी कहाँ की, तुमने धक्का दिया तो मेरे मुंह में आ गया। उसकी बात कर रहा हूँ जो तूने जेब में डाला है। वॉलेट रखने के लिए जेब नहीं है तो नेकलेस कहाँ रखूंगा? नेकलेस चोरी करता है। अरे बस करो बस करो बस करो, क्यों मार रहे हो
इसको। सर, इसने नेकलेस चुराया। झूठा इल्जाम मत लगाओ। किसने चोरी की है? सामने लवर बैठी है, उसे सरप्राइज देना होगा। सरवना, बीच में मत बोल। उसके लिए नहीं होगा तो उसकी बाजू वाली के लिए होगा। अपने मेहनत के पैसे से ये हार खरीदेगा। ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। मैं नहीं दूंगा तो मेरी माँ देगी। अगली बार इसे हाथ लगाए तो देख लेना। इतने अच्छी शर्ट पहनी थी, पूरी स्त्री खराब कर दी। अच्छा वो छोटा अपना आइडिया क्या हुआ? ए, मेरे दोस्त, मेरे जाने जिगर, अपनी दोस्ती साबित करने के लिए वो नेकलेस तूने ही चुराया था ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। सिक्योरिटी आओ और इसे पिटो, जल्दी आओ, पिटो इसे, पिटो इसे, ले जाओ, धुलाई करो इसकी। छोड़ दो, अरे क्या तू भी यार पहलवान लोगों को बार बार बुलाता रहता है। अच्छा एक बात बोलूं, मेरे लिए ये खरीद लेना। सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अच्छी शॉपिंग हो गई ना? हाँ। ए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तेरी सारी उंगलियां तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से, निकल। डिजाइन अच्छा था। ये छोटे तुमने ऑर्डर दिया उसने अभी सोचा लग रही है यार, एक बार बस उसे टच करने मिल जाए। ये हरी वाली तो एकदम टॉप क्लास है। क्या दाएं हैं, दिल पे छुरियां चला गई। कौन है यार? हेलो। हाँ भाई, अभी आऊँ, कुछ अर्जेंट काम है। हाँ बस अभी है, चले गाड़ी चालू कर, चल।